हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम इंडियन मॉम। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन का बेल भी जरूर बजा लीजिएगा दो बार, ताकि कुछ ऐसा सा आ जाए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड, जो आजकल है, मैंने एक नया चैनल बनाया है अपने व्लॉग्स के लिए, भावना व्लॉग्स के नाम से। उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, प्लीज आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको उससे मेरे व्लॉग्स जो हैं, जो मैं डेली व्लॉग्स कर रही हूँ, वो उस पर आ रहे हैं और आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जो आज का वीडियो है वो मैं एक रिव्यू वीडियो करने वाली हूँ, और वो मैं रिव्यू करने वाली हूँ प्रोडक्ट का, एक काजल का रिव्यू करने वाली हूँ। बहुत ही मस्त, ऑसम, चीप एंड बेस्ट काजल है जो मैंने मंगाया है, मैंने यूज़ किया है। तो आपको फटाफट, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बताती हूँ मैंने कौन सा काजल जो है वो लिया है। आप देखेंगे, ये है काजल, तो ये है वाटरप्रूफ फ्लैश आईलाइनर पेंसिल। ये जो है मैंने अमेजोन से परचेज की है, और ये मैंने दो प्रोडक्ट परचेज किए थे, एक ये और एक कंसीलर, तो ये कॉम्बो में लिया था। बट अगर आप इसको अमेजोन से परचेज कर रहे हैं तो ये 139 रुपीस की जो है ये एक स्टिक है। तो ये स्केनर जो है ये एक स्केच पेन है, ये जेल लाइनर नहीं है, कोई दूसरा लाइनर नहीं है, ये स्केच पेन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इसके ऊपर लिखा है वाटरप्रूफ, तो यस ये वाटरप्रूफ है लैश आईलाइनर पेंसिल। तो ये 36 आवर्स इसके ऊपर लिखा हुआ है, और मैंने काफ़ी टाइम से, मतलब मेरे को आज शायद शाम से मैंने लगा रखा है अभी तक तो, और मुझे इस टाइम पे हो चुके होंगे इसको लगाए हुए 9 to 10 आवर्स। आप देख सकते हैं ये मैंने जो है ये लाइनर लगा रखा है, और ये यही लाइनर है जो मैंने ये आपको लाइनर दिखाया है, और ये मैंने लगाया हुआ, और काफ़ी टाइम से ये लगा हुआ है और बिल्कुल भी इधर का उधर नहीं हुआ है। तो ये जो लाइनर है मैंने देखा था, ये बहुत सारे इसके रिव्यूज़ देखे थे, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। तो एक तो ये चाइनीज़ कोई ब्रांड है यार, इसका नाम जो है येन किना ऐसे कुछ करके है, बट इसके ऊपर लिखा है प्रीशियस लिक्विड आईलाइनर, तो ठीक है ये है इसके ऊपर, और 36 आर ये क्लेम करते हैं कि रहेगा। और ये इसकी जो क्वांटिटी है वो 2.5 ग्राम का है ये, और बहुत ही क्यूट सी कलर जो है इसकी स्टिक है, बहुत प्यारा सा एक हार्ट बना हुआ है, और काफ़ी सारे बहुत क्यूट क्यूट से इसके ऊपर प्रिंट्स हैं, बहुत ही प्यारी सी ये किस तरह की ये जो है पेंसिल है। तो अब मैं आपको और चीज़ दिखाती हूँ, ये जो है आप इस तरीके से, ये कैप है ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे ये जो है इस तरीके से, जैसे स्केच पेन होता है उस तरीके की इसकी निब है स्केच पेन की तरह, तो बिल्कुल इसकी जो टिप है वो बिल्कुल स्केच पेन की तरह है। तो मतलब ये बहुत ही इजी होता है अप्लाई करना, जिन लोगों को आईलाइनर नहीं लगाना आता या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको, बस सीधा ये लेना है और लगा लेना है, ये इतना इजी है। आप इसे विंग बना सकते हैं, कुछ और जिस भी स्टाइल का आप डबल विंग बना सकते हैं, जिस भी स्टाइल का आप इससे लाइनर लगाना चाहते हैं वो लग जाएगा। और जेल आईलाइनर से तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, मैं मेबलिन का जेल आईलाइनर भी यूज़ कर रही हूँ, बट उससे मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा है, और एक चीप है ये, काफ़ी सस्ता है। मेबलिन वगैरह के जो आईलाइनर है वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, और उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा ये मेरे को लगा है प्रोडक्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये रिव्यू करूँ इस प्रोडक्ट का। तो वैसे ये जो है आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी लेकर जा सकते हैं इसको। और जिन लोगों को लाइनर, जैसा कि मैंने बताया, नहीं लगाना आता है, वो इसको लेकर आएं और इससे लाइनर लगाना शुरू करेंगे, तो आपको जो है सुपर इजी रहेगा, बहुत आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, और कहीं भी आपका इधर से उधर लाइनर नहीं जाएगा। तो ये काफ़ी जो है, आप देख सकते हैं मेरी आईज़ पे, इस टाइम मैंने यही वाला आईलाइनर जो है अप्लाई कर रखा है, और ये बहुत ही अच्छे से जो है अप्लाई, इसकी एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ होती है। तो मैं जल्दी से इसका आपको स्वैच करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का आईलाइनर है। इस पर लिखा है 100% ब्लैक कलर का है, और ये देखिए, यस ये बिल्कुल ब्लैक कलर का है, बहुत ही जेट ब्लैक, 100% ब्लैक जो है, और एक ही एप्लीकेशन में इतना डार्क लग जाता है, इसके बाद आपको सेकेंड टाइम इसको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी आप एक बार इसको अप्लाई करेंगे तो आपको दूसरा कोट डालने की इस पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इतना डार्क और ब्लैक कलर का है, जैसा मेरे को चाहिए होता है अपनी आईज़ के लिए। तो है जिस तरीके से मैं आईलाइनर लगा के, आप देखेंगे मैं पूरी पावर के साथ इसको हटा रही हूँ, बट ये कहीं भी नहीं जा रहा है। तो ये लाइनर जो है बहुत ही अच्छा है, आपका कहीं भी जो है आईलाइनर जो है आँखों से इधर उधर नहीं होगा बिल्कुल भी, और बिल्कुल अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ये बहुत परफेक्ट है, और ये बहुत ही इजी, जैसा कि मैंने बताया, इसकी इस तरह से टिप है, आप इसको स्केच पेन की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही
मस्त ऑसम चीप और प्यारा प्रोडक्ट है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को 139 रुपीज़ के अमेज़ॉन से, हो सकता है आपके लोकल शॉप पे शायद और भी सस्ता मिल जाए, क्योंकि मैंने तो कॉम्बो में मंगाया था वैसे भी। तो ये जो है इसके ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ है 100% जो है ये ब्लैक है, और दैट्स इट, यही सब इसकी पैकेजिंग में, ऐसा कुछ नहीं और इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।